Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. My name is Abuhuraira from Science Lyceum School. Hope you all fine. So today we are going to study class 7 mathematics, chapter number 4, exponents. Exercise 4.2 on my first. Question number 1 is simplify by using the laws of exponents into the exponential form. Previous lecture mein humne padha tha ke laws of exponents kya hai. Product law humne padha tha jisme do situations thi. जब बेस सेम हो और पावर डिफरेंट हो और जब बेस डिफरेंट हो और पावर सेम हो तो अब हमने उन लॉज को अप्लाई करना है इन क्वेश्चन में. आगे देखते हैं किस तरह अप्लाई करते हैं हम. अब देखेंगे यहाँ पर बेस हमारे पास माइनस फोर है, बेस हमारे पास सेम है और जो हमारे पास पावर है वो डिफरेंट है, एक्सपोनेंट डिफरेंट है हमारे पास. तो हमने इसको करना है इस तरह, हम 4 माइनस 4 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करवाएंगे और माइनस 4 को 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करवाएंगे. तो माइनस 4 मल्टीप्लाई माइनस 4 मल्टीप्लाई माइनस 4 मल्टीप्लाई माइनस 4 मल्टीप्लाई माइनस 4. ठीक है, हमने 1 2 3 4 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करवाया माइनस 4 को. अब हमने इसी तरह 6 को भी मल्टीप्लाई करवाना है, माइनस 4 को 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करवाना है. तो जब हम इसको 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करवाएंगे माइनस 4 मल्टीप्लाई 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 माइनस 4. ठीक है, ये 5 टाइम्स हमने मल्टीप्लाई करवाया और ये 6 टाइम्स हमने मल्टीप्लाई करवा दिया. अब हमने इन सब को कंबाइन करके लिखना है, माइनस 4 मल्टीप्लाई माइनस 4 मल्टीप्लाई माइनस 4 मल्टीप्लाई माइनस 4 मल्टीप्लाई माइनस 4. अब यहां पर हम स्टार्ट करेंगे माइनस 4 ठीक है, 1 2 3 4 5 6 6 1 2 3 4 एंड 5. ठीक है, हमने ये सब को माइनस 4 को कंबाइन कर लिया. तो आप देखेंगे कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11 टाइम्स. तो हम हमारे पास बेस बिल्कुल सेम है तो हम इसको माइनस 4 को इस तरह लिख देंगे, माइनस 4 बेस और एक्सपोनेंट जो हमारे पास है वो 11 आ जाएगा. ठीक है, इस तरह हम इसका क्वेश्चन नंबर जो है वो 5 देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 5 है p टू द पावर 10 मल्टीप्लाई q टू द पावर 10. अब देखिए यहां पर बेस हमारे पास डिफरेंट है और पावर जो है हमारे पास सेम है. पहले क्वेश्चन में क्या था, बेस सेम थी और पावर डिफरेंट थी. अब हमारे पास बेस जो है वो डिफरेंट है और पावर क्या है, सेम. अब यहां पर दूसरी सिचुएशन जो है हम अप्लाई करेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं, P को हम 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करवाएंगे पहले ठीक है, P को हमने 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करवा दिया और फिर हम Q को 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करवाएंगे. ठीक है, P और Q को हमने 10 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करवा दिया. अब फर्स्ट टाइम को फर्स्ट टाइम से मल्टीप्लाई करवाना है, सेकंड टाइम को सेकंड, थर्ड को थर्ड से, फोर को फोर से. ठीक है, P मल्टीप्लाई Q, इसी तरह P मल्टीप्लाई Q, इसी तरह ये मल्टीप्लाई होगा P मल्टीप्लाई Q P मल्टीप्लाई Q P मल्टीप्लाई Q 1 2 3 4 5 P मल्टीप्लाई Q 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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ठीक है, 10 टेंस हमारे पास टर्म थी तो हमने इनको 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करवा दिया. अब हमने क्या करना है, P मल्टीप्लाई Q को बेस कंसीडर करना है. तो P मल्टीप्लाई Q हमारे पास क्या हो जाएगी, बेस हो जाएगी और कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हो रही है, 10 टाइम्स. तो इसका एक्सपोनेंट क्या आ जाएगा, 10. ठीक है,
इन दोनों क्वेश्चन में हमने लॉज को अप्लाई कर दिया है। पहले हमने कहा था कि बेस सेम है और पावर डिफरेंट है, तो हमने इस तरह सॉल्व करना है, और जब हमारे पास बेस डिफरेंट होगी और पावर सेम होगी तो हम इस तरह सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास क्वेश्चन जो है सॉल्व हो चुके हैं, तो आज हमारा लेक्चर इतना ही था। बाकी क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 के बिल्कुल इसी तरह है, ठीक है, आप कर सकते हैं आसानी से। इफ यू लाइक द वीडियो देन सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन। थैंक यू वेरी मच।